हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा डिज़र्ट बनाना बताऊंगी जो कि बिल्कुल माउथ वाटरिंग है और बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। तो सबसे पहले जो है, आप इसमें कोई सामान भी नहीं लगाए, सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे हल्का सा गुनगुना दूध। ज़्यादा दूध नहीं लेना है, बस 2 चम्मच के लगभग दूध लेना है। उसमें हम केसर के कुछ दाने डाल देंगे और इसको साइड कर देंगे। जब ये केसर के दाने थोड़ी से ये भीग जाएंगे तो ले लेंगे हम 200 ग्राम के लगभग पनीर या छेना। आप घर में भी पनीर बना सकते हैं या मार्केट से कोई मलाई पनीर भी ले सकते हैं। तो 200 ग्राम ये हमारा पनीर है और उसमें हमने 2 से 3 चम्मच के लगभग हमने चीनी ऐड कर दिया है। आप गुड़ भी डाल सकते हैं बट चीनी ज़्यादा बेटर पड़ेगा। 1 चम्मच हमने उसमें कोकोनट पाउडर और 1 चम्मच के लगभग हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो दूध हमने रख रखा था उस दूध को इसी में ऐड कर देंगे। और आप टेस्ट के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। फटाफट से इसको हम बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। अब पेस्ट का जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल जो है इसका थिक होना चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं होना है, फाइन नहीं करना है बिल्कुल पेस्ट। इसको अब हम हमारा जो पेस्ट है एकदम बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम ले लेंगे कोई एक कंटेनर, कोई एक डिब्बा ले लेंगे जो, या फिर आप केक टिन भी ले सकते हो। उसमें हमने फॉइल पेपर लगा दिया है, आप फॉइल पेपर लगा देना पूरी चारों तरफ से। और उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट्स और केसर के कुछ दाने, केसर के दाने भी डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। नीचे ही उसमें हम अच्छे से पूरा डाल के उसके बाद जो हमने अपना पेस्ट बना रखा है पेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हाथ से इसको बराबर कर देंगे। उसके बाद जो है हम इसको फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा टिफ़िन या कोई डिब्बा हो जिसका इसका पूरा कवर अच्छे से इसका ढक्कन हो तो उसको आप ढक्कन लगा सकते हो। उसके बाद आप ले लेंगे, हम स्टीम करना है सबसे पहले इसको, स्टीम करना है फ्रेंड। स्टीमर अगर आपके पास है तो आप उससे स्टीम कर सकते हो, वरना आप थोड़ा सा 1 गिलास पानी लेके कोई बर्तन थोड़ा सा ऊंचा करके उसमें रखने के बाद इसको अच्छे से ढक्कन से दबा देंगे। अगर आपके पास इसका ढक्कन है, टिफ़िन है, तो आप उससे दबा सकते हो ताकि उसके अंदर पानी बिल्कुल ना जाए। और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल ही नहीं खोलेंगे। 15-20 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखते हैं। 15-20 मिनट के बाद अच्छे से ये हमारा जो है फ्लेम जो है बिल्कुल लो होना चाहिए, आराम से हो जाएगा। ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद कलर भी बिल्कुल नहीं गया है। टूथपिक डाल के देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से हो गया। ये देखिए बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल पक चुका है हमारा। तो ये जो हमारा स्टीम हो चुका है, सबसे ध्यान देना फ्रेंड, इसको बेक नहीं करना है, इसको स्टीम करना है। स्टीम से ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे, ये भी बहुत ही गर्म है। ऊपर से देखने से ही आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल कलर भी इसका गया नहीं है, कलर बिल्कुल वाइट है। और नीचे का कलर देखना फ्रेंड्स कैसा आया हुआ है, क्योंकि केसर के दाने जो हमने डाल रखे थे, केसर जो है एकदम बिल्कुल खिल के आया होगा, आई होप। जस्ट देखते हैं हम, तो इसको हम आराम से ठंडा होने पर ये फॉइल पेपर आराम से निकल जाता है। ये देखिए वाओ, इसका कलर भी कितना अच्छे से खिल के आया है और बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, आपको पता है आपने कुछ भी सामान इसमें ज़्यादा नहीं डाला है, फटाफट से ये बन के रेडी भी हो गया है। अब इसे हम कट करके खिलाएंगे, बिल्कुल माउथ वाटरिंग है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है इसके लिए, और कॉमेंट में ज़रूर करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आप एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।